ये 8 चैनल का DVR है, इसमें पावर लगाने से पहले आपको वाईफाई का किट लगाना है। फर्स्ट स्लॉट में उसके नीचे आपका माउस का स्लॉट होगा, उसके बाद में फिर सारे फंक्शन करने के बाद VGA या फिर आप HDMI जो भी यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए, उसे यूज़ करने के बाद में आपके कैमरे कनेक्शन वगैरह आपको चेक करने हैं प्रॉपर होने के बाद, उससे आखिरी में आपको पावर सप्लाई देना है। यहाँ पे आपने पावर सप्लाई देने के बाद में फिर आपका डिस्प्ले आप आएगा। अब आपको कॉन्फ़िगर करना है ऑनलाइन आने के लिए आपके DVR को। राइट क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा मेन मेन्यू, उसमें सिलेक्शन करना है आपको राइट क्लिक करके, फिर आपको पासवर्ड पे ओके करना है, सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद फिर आपको है नेट सर्विस, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको देगा वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई नॉट एनेबल, वाईफाई नॉट एनेबल पर आपको डबल क्लिक करनी है। आपका ये कॉलम ओपन होगा, उसके बाद में फिर आपको एनेबल पे क्लिक करना है और आपको सर्च करना है आपका वाईफाई। सर्च कीजिए, हाँ इसमें खाली आपको जो एनेबल है वही क्लिक करना है राइट क्लिक, और DHCP एनेबल आपको और क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनेबल कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। और जो आपके वाईफाई का नेटवर्क है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में आपने जो भी पासवर्ड उसका सेट किया है वो आपको पासवर्ड सेट करना है। ओके करके आपको सेटिंग सेव करनी है। फाइनल आपको ओके क्लिक करने के बाद में एक्सिट आना है, डिस्प्ले में आपको तकरीबन 2 मिनट तक वेट करना पड़ेगा ताकि वो इजीली कनेक्ट हो सके। कंप्लीट हो गया, अब हम चेक करेंगे सर्वर कनेक्टेड या नहीं। 2 मिनट हमारे पूरे हो गए। मेन मेन्यू में जाके सिस्टम नेट सर्विस और ये वाईफाई आपका जो हॉटस्पॉट आपका जो नेम है वहाँ पे कनेक्टेड दिया विथ IP address। और XMI एप्लीकेशन के अंदर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। क्लाउड कनेक्टेड यहाँ पे मेंशन है और ये आपको कंफर्मेशन है कि ये आपका राउटर कनेक्ट हो चुका है। जहाँ पे वाईफाई लिखा है वहाँ पे आपका वाईफाई सर्वर का नाम और IP address भी मेंशन हो गया है। Okay. If you found our video informative, please subscribe our YouTube channel and click to like, and press the bell icon and share it with all your friends.